सारंगपुर नगर में अवैध शराब के विक्रय व परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा सख्ती से कार्रवाई करवाई जा रही है। समय समय पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता रहा है। पुलिस अधीक्षक शर्मा के आदेश व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती ने नगर के थाने में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाकर अलग अलग टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। उसी तारतम्य में आज दिनांक 3/6/2020 को सारंगपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर किठोर जोड़ अकोदिया रोड के पास से स्कूटी से अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनील राठौर निवासी बदलीपुरा सारंगपुर होना बताया। वह 3 पेटी सुपर मास्टर अंग्रेजी की व 4 पेटी देसी मदिरा प्लेन के रखे होना बताया, जिसको सारंगपुर में बेचने हेतु लाना बताया। कुल 63 लीटर अवैध शराब व स्कूटर कीमती 65,000 कुल जब्त मशरूका 1,75,000 विधिवत मौके पर से पुलिस द्वारा जब्त कर 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। 2 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक अभय सिंह, आरक्षक 669 दिवाकर, आरक्षक 822 दिलीप, आरक्षक 267 नवीन सिंह राजपूत, आरक्षक चालक 474 राकेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।